दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के शहदरा गांव में पत्नी ने जीजा व किरायेदार के संग मिलकर पति की हत्या कर दी। 55 लाख के लिए पत्नी ने 7 जन तक साथ रहने की खाई कसम तोड़ दी। पति को जमीन बेचकर 55 लाख मिले थे, पत्नी उस रकम को हड़पना चाहती थी। पुलिस ने आरोपित पत्नी, उसके जीजा व 2 किरायेदार को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। आरोपितों ने 27 जून को हत्या कर शव को झाझर गंग नहर में फेंक दिया था। शव अभी तक बरामद नहीं हो सका है। सूरजपुर कोतवाली प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि शहदरा गांव में 34 वर्षीय अजीत भाटी पत्नी कविता के साथ रहते थे। उनके 3 बच्चे हैं। गांव में अपनी जमीन उसने अपने ताऊ के लड़के संजय भाटी को 55 लाख में बेची थी। 23 जून को संजय भाटी ने रुपयों का भुगतान अजीत कविता के संयुक्त खाते में किया। रकम मिलते ही कविता का इरादा बदल गया, उसने पति की हत्या की योजना तैयार कर ली। जीजा आदेश और किरायेदार मोहित कपिल के साथ मिलकर पति अजीत की हत्या 27 जून को की। मोहित बोरे में शव लेकर बाइक से झाझर गंग नहर तक गया। नहर में शव फेंककर 28 जून की सुबह वापस आया। हत्या करने के लिए कविता ने मोहित को 5 लाख रुपए दिए थे। आरोपित मोहित फूड डिलीवरी बॉय है। आदेश ने उसको एडवांस में 50,000 दिए। काम हो जाने के बाद 5 लाख रुपए दिए गए। मोहित इन रुपयों से बिजनेस शुरू करना चाहता था। इससे पहले राज खुल गया और आरोपित पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 27 जून की रात अजीत शराब पीकर घर आया। कमरे में कविता ने उसको बंद कर दिया और मोहित कपिल को बुला लिया। पत्नी ने अजीत के पैर पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। इसके बाद रस्सी से मोहित में गला दबाकर अजीत की हत्या कर दी। ACP PP सिंह ने बताया कि अजीत की गुमशुदगी की शिकायत उसकी पत्नी कविता ने 28 जून को पुलिस से की, लेकिन लिखित शिकायत नहीं दी। लिखित शिकायत चचेरे भाई संजय भाटी ने दी। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि अजीत के खाते से 15 लाख रुपए आदेश के खाते में ट्रांसफर की गई। पुलिस ने और गहराई से जांच की तो पता चला कि रकम कविता ने ट्रांसफर की थी और मकसद अजीत की हत्या कराना था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।